Hey girls, what's up? All cool, nah? Oh my god! सियापति रामचंद्र की जय। What happened? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मानसी, अगर योगा क्लास जाके ऐसी पर्सनालिटी हो जाती है तो मुझे भी योगा क्लास ज्वाइन करना है। वैसे आपको देखकर तो मैं शॉक ही हो गई सुहासिनी आंटी। Oh no, Bins. Don't call me Suhasini auntie. Just say Sush. Sush. ये माँ जी ने कौन सा रेजोल्यूशन ले लिया है? Sush, मैं क्या कह रही थी कि मुझे भी योगा क्लास ज्वाइन करनी है। हाँ, no problem, मैं करा दूंगी ना। पर पहले ये बताओ, तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? Thank you. South Delhi से ली, बहुत expensive है। Naturally, अब दिल्ली तक का एयरफेयर जोड़ेंगे तो एक्सपेंसिव तो लगेगी ही ना। वैसे यहाँ तो 500-600 में मिली जाती है। Anyway, मैं जरा फ्रेशन अप होके आती हूँ, you know? Bye girls. Bye Sush. मानसी, तुम बहुत लकी, तुझे ऐसी सास मिली है। मुझे मेरे गोगो की वाइफ के लिए ऐसी सास बनना है। अभी से तैयारी कर रही हूँ। Bye. Chocolates बाद में। बाऊजी, बाऊजी, बहू तूने कौन सा जादू कर दिया? मुझे तो जवानी के पुराने दिन याद आ गए। बहू, आज पहली बार मुझे इतनी जल्दी मरने का अफसोस हो रहा है। बाऊजी, ये माँ जी को क्या हो गया है? माँ जी मत कहो उसे, बहू प्लीज माँ जी मत कहो। कॉलर सोश, शी सो कूल बेबी। डिमांड और सप्लाई। सर ये पूरा गेम है, ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ये दोनों साथ ही एक दूसरे के एंटेंगल्ड है, एंटवाइंड। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी सप्लाई घटेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अरे लेकिन ये तो नहीं पता था ना तुम्हें? मुझे पता था। अरे सीखो सीखो, अगर चुप रहोगे तो सीख पाओगे। तो सर मैं ये कह रहा था आपसे कि हम मार्केट में अपने इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्रिएट करेंगे। हाँ तो असिस्टेंट, तुम चुप रहोगे तो सब कुछ हो पाएगा। कीप योर बोन बॉक्स शट। हाँ तो सर मैं ये कह रहा था कि हम अपने लोगों को मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स में भेजेंगे, जहां पे हमारे आदमी जाएंगे और काउंटर पे हमारी ये जो एनर्जी टैबलेट्स हैं वो मांगेंगे, और इस तरह हम डिमांड बढ़ाएंगे अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करेंगे। एक सेकंड, पहले आप सर मेरी बात सुनिए। मिस्टर राज, आप फिलहाल खामोश बैठिए। आपको जो कुछ भी पूछना है वो आप बाद में पूछिएगा। विजय, तुम पूछो। बोलो। उसके बाद हम एक बड़ी स्मार्ट सी इंटेलिजेंट सी एड फिल्म बनाएंगे, जो हम सारे मल्टीप्लेक्सेस में और सारे टेलीविजन में दिखाएंगे, और जिससे हम लोगों को बताएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये इंसान के लिए कितना जरूरी है। इससे बुढ़ा जवान हो जाता है और जवान जय जवान हो जाता है। अरे लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि भैया। राज चुप बैठना यार। हाँ सर आप बोलिए। उसके बाद क्या है, फिर हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे। And I'm sure it'll be a big, big success. Big success. Shut up. तालियां। Thank you, gentlemen, lovely ladies. Thank you very much. विजय को क्या हो गया? कितना अच्छा बोल रहा है यार। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं Shut up, Raj. सर बचपन से मेरा एक एम्बिशन था कि मैं एक एड फिल्म मेकर बनूं। तो मैंने इस एड कैंपेन पे इतना काम किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या मैं ये एड कैंपेन कर सकता हूं सर, इफ यू डोंट माइंड। जरूर जरूर, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। थैंक यू वेरी मच। काश कि मेरे पास तुम्हारे जैसे दो चार नौजवान और होते तो मैं और मेरी कंपनी टॉप पर। सर आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो चार राज जैसे नौजवान नहीं होते तो आज आप और आपकी कंपनी टॉप पर होती। Exactly. मैं यही कहने वाला था, मगर इनका लिहाज किया। अब मैं इस बारे में सोचूंगा। जल्दी सोचिए सर, इनके पास टाइम बहुत कम है। जल्दी, मीटिंग इज ओवर। हाँ सुनो असिस्टेंट, क्लीन द बोर्ड एंड फॉलो मी।
ए बाबूलाल जरा सुन। आप तो चुप ही रहिए सर, मीटिंग में किसी ने आपकी तो सुनी नहीं, अब मुझे क्यों सुना रहे हो? देखिए मेरे पास बहुत काम है समझे, और हाँ विजय साहब ने कहा है बोर्ड साफ कर देने के लिए। अरे मैं तो विजय साहब कहाँ गए? विजय साहब बाबूलाल। बहू आज सुहासिनी को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार मैंने सुहासिनी को देखा था। उमंगों की हवाओं पर फिजाओं पर लहराती हुई तैरती हुई मेरे पास आई थी और बोली थी भाई। भाई भाई ने कहा है, मतलब इसके जो भाई साहब थे ना वो हमारी कंपनी में मैनेजर थे, तो बोली भाई साहब ने कहा है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई हाँ बात तो बिल्कुल सच है, हो गई हमारी शादी। दरअसल बहू नाचने गाने का शौक तो इसको पहले से ही था, लेकिन मेरे मरने के बाद बेचारी थोड़ी सी सीरियस हो गई। लेकिन आज अचानक इसकी दिल की उमंगों ने तरंगों ने फिर से हवा पकड़ी है बहू। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहू मां जी मैं हॉल में हूँ। बहू आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। दिल कर रहा है कि अपने सुश की राहों में फूल बिछा दूं, फूल। हाँ प्रकट आप और अरे बाऊजी आपने ये क्या किया बाऊजी? माँ जी को पता चल जाएगा कि घर में जादू हो रहा है। क्या आप भी रिंग रोंग रिंग ये फूल यहाँ से गायब हो जाएं। रिंग रोंग रिंग बच गए। मनु ये सब क्या हो रहा है जी? क्या हुआ, क्या हो गया? अरे मेरी अलमारी में इतने ओल्ड फैशन क्लोथ्स किसने रखे हैं? वो माँ जी। माँ जी कितनी बार तुम्हें कहा है कॉल मी सुश। जी माँ जी। फिर माँ जी मनु अब तुम्हारी और मेरी एज में कोई खास फर्क तो है ही नहीं। यू कैन कॉल मी सुश नाउ। कितना अच्छा बोलती है मेरी सुश। नहीं सुश ठीक है, आप चाहे ना तो मेरे कपड़े यूज कर सकती हैं। ओह नो 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 मुझे वैसे भी तुम्हारा टेस्ट ज्यादा पसंद नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे कपड़े तो मेरे कपड़ों से भी ज्यादा ओल्ड फैशन है। मुझे लगता है मैं थोड़ी शॉपिंग करके आती हूँ। अरे शॉपिंग पे जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। शुश जी, शुशी आपको कोई बुला रहा है, देखिए देखिए। ओह आज फिल्म वाले होंगे। बाऊजी यार रिंग रोंग रिंग ये दोनों यहाँ से गायब हो जाएं। रिंग रोंग रिंग क्या बाऊजी क्या कर रहे हैं बाऊजी? अरे बहू तू समझती नहीं है। अरे तुझे नहीं पता भाई सुश के लिए मेरे दिल में इतना प्यार है कि मैंने उसकी कभी कोई बात ना डाली थी ना डालूंगा। वाह मंटी कितना अच्छा ड्राइंग है। थैंक यू मंटी। बर्गर खाएगा? नहीं अभी रिसेस में टाइम है और महुआ मैम आने वाली है, तुम लोग भी मत खाओ। स्टूपिड रिसेस तक तो ये ठंडा हो जाएगा। और नहीं तो क्या, कल भी हम बर्गर लाए थे और जब महुआ मैडम बना रही थी तब भी हम खा रहे थे। पिंको गलत बात है। इसमें क्या गलत है, कितनी बोरिंग टीचर है, स्टडी में तो कुछ मजा नहीं आता लेकिन बर्गर खाने में तो मजा आता है। मैं तो उनके क्लास में आराम से सो जाता हूँ। उनका नाम महुआ मैम नहीं कौवा मैम होना चाहिए। हाँ कितनी काव काव करती है। शेम ऑन यू, तुम अपनी टीचर के बारे में ऐसे बोलते हो। मैं मैम को सब बता दूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। मैम मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बंटी। मैम ये सब लोग आपकी क्लास में बर्गर खाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
पहली बार है, माफ किया। मैम और भी कुछ है? बंटी चुप रहो। नहीं मुझे बोलने दो। मैम वो सचिन है ना, वो आपकी क्लास में सो भी जाता है। अच्छा सचिन, चलो पहली बार है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ मैम, और तो और वो टिंकू है ना, वो आपको महुआ मैम नहीं कौवा मैम बुलाता है। अच्छा टिंकू। मैम अब मैं बैठ जाऊं? सिट डाउन। ऊपर वाले मुझे इतना क्रिएटिव क्यों बनाया तूने? इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊं। वाह yeah, boy! Check it out. एक्सक्यूज मी, आप यहाँ ऑडिशन के लिए आए? व्हाट? आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मैंने आपको पहचाना नहीं, आप यहाँ किससे मिलने आए? इट्स मी दादू सुश। माँ ये तू हो? सुश, ओह यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। आप तो फैंटास्टिक लग रहे हैं। थैंक यू बाबा। माँ मुझे कुछ अच्छे पोजेस दीजिए ना। कोर्स। वाओ। माँ थोड़ा राइट प्रोफाइल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। माँ इतने बाल थोड़े पीछे कीजिए तो। माँ जी आप आ गई? हाँ। और देखो क्या लाई हूँ। हाँ, कितनी नाइस ड्रेसेस है ना। हाँ, कैसी लगी? अरे बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। इनको पहनकर तुम बिल्कुल श्री देवी लगोगी। हवा हवाई। तुमने बताया नहीं कैसी है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ तुम्हें चाहिए होगा तो तुम भी पहन सकती हो कोई भी। हाँ नहीं नहीं इनको तुम ही पहनो, बहू ये पहनेगी तो इतने अच्छे फैशन को कैरी नहीं कर पाएगी। अजय तुम क्या कर रहे हो? भाभी भाभी मैंने सोच लिया भाभी कि अब मैं माँ के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। क्या? हाँ और मैंने तो फिल्म का टाइटल भी सोच लिया है, माँ और सिनेमा। सुश खुश हो गई। अब मुझे थोड़े और पोजेस दीजिए ना, थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए और। हाँ गुड नाइस, तो हाथ ऊपर लीजिए। वाह बेटा अजय वाह, तेरी ये फिल्म माँ और सिनेमा कोई देखे ना देखे लेकिन तेरा मरा हुआ बाप तो बार बार देखेगा, बार बार देखेगा। माँ आपकी ये कलाइयाँ बहुत सुनी लग रही हैं। आपके पास कुछ मैचिंग ब्रेसलेट्स नहीं है? ओह नो 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 नो, क्यों नहीं पहना मैंने? मेरे पास कोई अच्छा सा फैशनेबल ब्रेसलेट नहीं है ना। मनु तुम्हारे पास कुछ है? नहीं मेरे पास तो नहीं है। अरे ये देखो ये कितना अच्छा है, मैच भी कर रहा है। और तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास है ही नहीं। जी माँ जी वो मुझे लगा कि आपको पसंद नहीं आएगा ना इसलिए नहीं बताया। मैं पहनूं? बहुत अच्छा है, अच्छा मैच हो रहा है। ब्यूटीफुल माँ ब्यूटीफुल। माँ जरा हाथों से एक्सप्रेस कीजिए। माँ वन मोर। ओह नो बस डू, मैं थक गई हूँ। मैं ना अब फिल्म की स्टोरी सुनना चाहती हूँ, मतलब हीरोइन के कितने गाने हैं, वो आइटम नंबर करेगी या नहीं। मानू एक्सक्यूज मी, सियावती रामचंद्र की जय। देखिए मैं आपका टाइटल रोल है बहुत इमोशनल। बाबू जी जी देखिए ना क्या क्या हो रहा है, पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। आगे का तो पता नहीं बेटा लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो बहुत सुंदर हो रहा है। तू मेरी सुश को देख, सुश को। कैसा किया मैंने?
Mom, you are a rock star. You are awesome, outstanding. Thank you, भैया, आपने माँ का एटीट्यूड देखा, कॉन्फिडेंस देखा? भैया, मैं माँ के ऊपर एक फिल्म बनाने वाला हूँ. माँ और सिनेमा. राज, हमें अपनी एनर्जी टैबलेट्स के लिए मॉडल मिल गई है. कौन? My mom, look at her. She's just right, sweet, 35 plus. Any problem? Vijay, देखो. अगर problem है तो अपने पास रखो, because my decision is the final decision. Mom, आप मेरी energy tablets के लिए modeling करेंगी, mom? Why not, baby? राज, एक काम करो, तुम अजय के साथ बैठकर स्टोरीबोर्ड पे काम कर लो, शिपिंग में काम कर लो. इसके साथ? Any problem? अगर कोई problem है तो अपने पास रखो, because my decision is the final decision. और ये अजय हमारी एड फिल्म का डायरेक्टर है. मूवमेंट करो, मूवमेंट करो. That's right. That's right. Cut it. सुनिए, अजय डायरेक्टर. देखा, भाभी भी कितनी खुश है. भाभी, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा. अजय को तो फिल्म मेकिंग का ABC तक नहीं आता है. फिल्म तो चलेगी नहीं, लेकिन इनकी जॉब जरूर चली जाएगी. सुनिए, मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी फिल्म है, अजय के साथ कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी होना चाहिए ना. भाभी, आप मेरी एबिलिटी में शक कर रही हैं? कर रही हैं, कर रही हैं. आई एग्री विद यू भाभी. तुम्हें फिल्म मेकिंग के बारे में पता क्या है? फिल्म का कैमरा देखा है? एडिटिंग क्या होती है? किसी स्टूडियो के अंदर तक नहीं गए आज तक? चले, अब फिल्म बनाने हैं. राज भाई साहब सही सोच रहे हैं. रिंग रॉन्ग रिंग. राज भाई साहब की जो भी विश है वो पूरी हो जाए. रिंग रॉन्ग रिंग. मैं किसी और का स्टूडियो देखने क्यों जाऊं? मैं अपना खुद का इतना अच्छा स्टूडियो बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरा स्टूडियो देखने आएगी. इसका कुछ नहीं हो सकता. भगवान, इसके सर पे ना इतना बड़ा नारियल गिरे ताकि इसका दिमाग कुछ काम करे. अच्छा, बनाना बनाना. ओके, मैं चलता हूँ. बना बना. कैन आई बैक प्लीज? थैंक यू. सुनिए, मैं सोच रही थी कि इतना मत सोचा करो. कम ऑन, टेक इट इजी. थैंक यू. हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मुझे डायरेक्टर बनने का मौका दे दिया. मैं आपके दर पर नारियल जरूर फोड़ूंगा. हे भगवान, यू आर महान. मैंने आपके दर पे कहा था और आपने मेरे सर पे फोड़ दिया. आम के पेड़ से नारियल. मानसी, आज मैं बहुत थक गया हूं. प्रपोजल्स बनाए और फिर आज मुझे एड कैंपेन का हेडी बना दिया. इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत थक गया. आई एम टू टायर्ड यार. अरे वाह, आज तो ये बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और बहुत चेंज भी लग रहे हैं. एक बार टेस्ट करके देखती हूँ. सुनिए, आप चाय पियेंगे कि मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? कॉफी, वो भी ब्लैक, वो भी विदाउट शुगर. वैसे शाम को तैयार है ना? क्यों? एक अच्छी सी साड़ी पहन लेना. साड़ी क्यों? तुम एक अच्छी सी ड्रेस पहन लेना. ड्रेस में तुम बहुत क्यूट लगती हो. क्यों? क्योंकि मैं तुम सबको डिनर पे लेके जाऊंगा. डिनर? कहाँ जाएंगे? हमारे ऑफिस के सामने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहीं पर. नाइस प्लेस, यू लाइक इट. सुनिए ना, मैं ना डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि हम इंडियन खाएंगे या चाइनीज खाएंगे. ना इंडियन ना चाइनीज, मैक्सिकन. एंड दैट इज डिसाइडेड. और हाँ, एक और बात. वो मैं सोच रही थी कि अगर अजय आपकी फिल्म बनाएगा तो. डोंट वरी, मैं हूँ ना, मुझे अपने आप पे भरोसा है. आई विल कॉल द शॉट्स, डोंट वरी. अच्छा भैया, बंटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा. सुबह चॉकलेट की जिद कर रहा था तो मैं चॉकलेट लेके आया उसके लिए. वेरी जी बंटी. बंटी, बंटी तो स्कूल से अब तक वापस ही नहीं आया. हे भगवान, इन सब चक्रों में उस बेचारे को भूल ही गए. पता नहीं वो कहाँ होगा. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.